या डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मैंने जो दर्द का मारा चैप्टर है इसका जो भी खुलासा वो मैं ऑलरेडी आपको कन्वे कर चुका हूँ, वो हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो भी खाका एक अफसाना निगार ने, एक राइटर ने तैयार करने की कोशिश की है और इसके पीछे क्या पस मंज़र है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अब इस लेसन में अगरचे आपका खाका, इसका जो खाका है वो आपके जहन में तैयार इसका हिला हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफ़िकल्ट अल्फाज आए, लिहाजा पैरा ब पैरा समझने के बाद जो ये अल्फाज है इनके माना हम इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे, या बाद अज़ा जो भी लेक्चर आ जाएगा मे बी वो इसी के रिगार्डिंग होगा। डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ आया एक जगह मुनक्कश, इसका मतलब है नक्शो निगार करना। मुनक्कश वहाँ ये किस कंटेक्स में इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी चीज़ पर भी आराइश जेबाइश करना, या वहाँ ये आया है जब भी वहाँ अखरोट के लकड़ी पर वहाँ कंदाकारी की गई है, यानी एनग्रेव्ड जो लिखाई है उसी के लिए वहाँ वर्ड लफ्ज़ हुआ है मुनक्कश। दरअसल ये मुनक्कश नक्श से बना है, नक्श नक्शो निगारी करना, रंग रोगन करना या किसी चीज़ को सजाना, ये माने हैं मुनक्कश का। लिहाजा आप इस मीम को, ये बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं उर्दू में जो मीम से बनते हैं लेकिन दरअसल इनका माने अगर इस मीम के काटने से भी वही रहता है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। यहाँ से आप देखिए ये मीम काटने से लफ्ज़ खुद ही नक्श ही रह जाता है, लिहाजा इस तरह इस नक्श के लगाने से, मीम के लगाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ वर्ड इम्पॉर्टेंट है मुंतज़िर और मुंतज़र, ये ज़िर ज़बर का फ़र्क है। मुंतज़िर का मतलब है इंतज़ार करने वाला, जो वेट कर रहा है किसी का। अब जिसका वेट किया जा रहा है तो उसे कहते हैं मुंतज़र। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बारीक सी डिफरेंस होती है और इसमें जो है पढ़े लिखे लोग भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन जब भी एक मरतबा हमें ये चीज़ कन्वे की गई है तो हमें अब पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मन मोहनी, मन का ये मन जो है ये फारसी लफ्ज दरअसल है, अपने मन में डूब कर फाजा सुरा के ज़िंदगी, यानी जो ये मन है ये फारसी जबान का अल्फाज लफ्ज है, इसका मतलब है दिल, यानी दिल को, मन को, सदर को, इसको कहते हैं फारसी में मन। मोहन, मोहनी का मतलब है खींचने या खींचना, अट्रैक्ट करना। मनमोहनी मीन्स अब दिल को लुभाने वाली या दिल को मायल करने वाली, दिल को खींचने वाली, मनमोहनी। यानी वहाँ ये कीफियत जब समझो कि वहाँ से जब इसके होठों पर वो वहाँ से स्माइल जो है वो फैल जाता है तो वहाँ से एक अजीब सी कीफियत उसको लगती है। यहाँ लफ्ज़ हुआ है वहाँ पहले ही पैरा में जब बर्फ़ के गाले जो है, जब इनको वहाँ से शायर कंपेयर कर रहा है, एक आथर कंपेयर कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ से वर्ड एक इस्तेमाल हुआ है महीन। महीन का मतलब है बारीक, महीन का मतलब है बारीक, यानी वो मान लीजिए ऐसा कपड़ा जिससे हमारी साइड जो पेंट्रेट हो सकती है, पार हो सकती है, यानी ये बड़ा महीन दुपट्टा है, यानी जिसको हम कश्मीरी जबान में कहते हैं शुज़ोर। और यहाँ से अब चाव का मतलब है शोक, यानी शौक किसी चीज़ का। फनकाराना लफ्ज़ जहाँ भी आया है आप अपने किताब पर ये चेक करेंगे, फनकाराना ये दरअसल लफ्ज़ फ़न से बना है, और फ़न को भी दूसरी जगह पर मैंने मेंशन किया है, फ़न इसकी जमा है फ़नून। फ़न का मतलब है सिकल, हुनर, यानी जो भी हुनर है, सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को दी है, हम कहते हैं कि फ़न की जमा फ़नून। फनकाराना जो है ये बनता है फ़न की, यानी फ़न यहाँ से इसम है और इसकी जो सिफत बनती है वो फनकाराना है, लिहाजा इस काराना के वज़न पर जितने भी उर्दू में अल्फाज आते हैं वो हमेशा सिफत ही गर्दाने जाते हैं या तसव्वुर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फनकाराना और फनकाराना, यहाँ से एक वर्ड है इसी तरह मकाराना, मकाराना भी इसी तरह, यानी फ्रेब देना, धोखा देना। अब यहाँ से देखिए मनहूस एक जगह वर्ड आया, यानी मनहूस, नहस ज़दा या नहस वाला,
या जो नहुसत रखता है, नहुसत वाला नहस ज़्यादा या मनहूस इंसान हम कहेंगे नामुबारक इंसान, यानी नाखुश इंसान, जो इंसान के दिल को खुश नहीं करता, या जिसको हम, हालांकि ये गलत है, ये एक इन लोगों के साथ हम कहते हैं ना कभी कभार, ये मुझे मिला है, ये इंसान आज मुझे सुबह सवेरे मिल गया, ये मनहूस है, आज का दिन खराब हो गया। बहरहाल ये कहना गलत ही है, लेकिन हम इस वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर की जमा है असरार, असरार का मतलब है राज, बेद। ठीक डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बेद लफ्ज आया। ये बेद उर्दू में दो है, बे या ये या दाल, और बे या दुतशिम या दाल, बेद। इस बे या दुतशिम का मतलब है दरख्त, दुतशिम का मतलब है दरख्त, इस बेद का मतलब है राज, बेद का मतलब है राज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्क आपको पता होना चाहिए। यहाँ से रमज की जमा है रमूज, यानी इसरार और रमूज, जो भी यहाँ से समुजू ने अपने बाप रमजान जू से जो भी स्किल्स, जो भी हुनर सीखी है, तो वहाँ से इसलिए फनूनो रमूज जो है ये उसने सीखे है। चहीता मीन्स प्यारा, वो चहीता या प्यारा जो है ये भी सिफत या एडजेक्टिव के तौर पर लेसन में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ आया है जस्त मीन्स कूदना, लीप यानी छलांग लगाना, जपटा, इम्बसात। यहाँ डियर स्टूडेंट्स, इम्बसात वर्ड है, इम्बसात का मतलब है खुशी, यानी खुश होना, इसका मतलब है इम्बसात। खाकिस्तर मीन्स बर्बाद, खाकिस्तर मीन्स बर्बाद, यानी आप जैसे जानते हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, रमज़ान जू का जो भी जब यानी इसका जो मकान है वो एक मरतबा खाकिस्तर हो जाता है, जब ये गरीबी के ज़माने की ज़िंदगी बसर करता था, फिर इसका मकान जो है वो डिसमेंटल किसी वजह से हुआ, हालांकि वहाँ मेंशन है क्लियरली कि वो आग की नज़र हो गया, जहाँ और जिस आग की वजह से उसका जो कीमती सर्टिफिकेट था वहाँ से वो भी इसका जल गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं मज़ीद एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज़ मैंने बताया है, अगर आपने मेरे लफ्ज़ों पर गौर किया, मैंने बताया सर्टिफिकेट दिया है, हालांकि ये वर्ड मुजक्कर है तो इसीलिए हम कहते हैं सर्टिफिकेट दिया, आप अक्सर कहते हैं सर्टिफिकेट दी या मैंने सर्टिफिकेट स्कूल से लाई, जो सेंटेंस बिल्कुल गलत है। लिहाजा जब भी हम इस्तेमाल करेंगे सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में दाखिल हुआ है, लिहाजा इसको हमेशा यहाँ क्या तसव्वुर किया जाता है, इसको यहाँ मुजक्कर के तौर के मानू के तौर पर इस्तेमाल किया, लिहाजा हमें इसी मानू में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें कहना चाहिए कि जो ये वर्ड है ये हमेशा सर्टिफिकेट, ये क्या है, ये मुझे, इसलिए हम कहते हैं उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद इस पर बात हम करेंगे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।